हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो आज का हमारा वीडियो हॉल है वो है कि प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, मैंने अमेज़ॉन से वैक्स रोलन हीटर परचेज़ किया था, तो उसी का रिव्यू मैं आज आपके सामने करने जा रही हूँ। वो जो मुझे इस तरह से बॉक्स में रिसीव हुआ था एंड इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 500-600 के अराउंड इसका प्राइस था। एग्जैक्ट इसके ऊपर मेंशन नहीं है बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था इसका, तो COD में तो मेंशन होता है। अब इसे ओपन करते हैं। इस तरह के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था और क्या क्या रिसीव हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ये वैक्स रोलन हीटर रिसीव हुआ था और इसके अंदर की वैक्स रिसीव हुई थी और इसके साथ वायर रिसीव हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, या आप देख रहे हैं जैसा इसके ऊपर मेंशन किया गया है इसी तरह का मुझे वैक्स रोलन हीटर रिसीव हुआ था। अगर मैं इसके ब्रांड की बात करूँ तो मुझे मतलब ब्रांड का इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैंने इस ब्रांड से कभी और कोई प्रोडक्ट ट्राई नहीं किए हैं। ये बॉक्स है और इसी तरह जैसा कि मैंने बताया है इसे ओपन करते हैं। एग्जैक्ट वैसा ही है कि सेम ही ब्रांड का है। इस तरह से है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसके अंदर इंसर्ट पहले से ही कर दिया है, मैं गर्म करके एक्चुअली देख रही थी। तो इस तरह से ये वैक्स का आपको अलग से मिलेगा जो आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे। ये और इसका कैप था जो मैं इसे एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि ये वर्क करता है या नहीं। तो इसीलिए आपको जस्ट क्या करना है, निकालना है और इसके अंदर इस तरह से इसे इंसर्ट कर देना है। और ऊपर आप देख ही रहे हैं इस तरह से वैक्स ऊपर आ जाती है, आपको जस्ट रोल करके निकालना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये था जो मैंने अमेज़ॉन से लिया है। इसके बाद इसका एक वायर दी गई है, इस तरह से इसकी वायर आएगी जिसको आप लगा के इसको हीट कर सकते हैं आराम से। और सबसे खास बात यह है कि इससे बर्न नहीं होगा। जैसे हम लोग वैक्सिंग कराते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कभी बहुत ठंडी होती है, तो आपकी स्किन को एक्चुअली वो हार्म करती है। बिकॉज आपकी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ जर्नी की वैक्सिंग, और वो मुझे लगता है रिजल्ट बेस्ट है बिकॉज काफ़ी जो हमारी स्किन है ऊपर डेड सेल ठीक है हटते हैं, बट आप खुद सोचिए आप किसी भी चीज़ के ऊपर बार बार वैक्स या कुछ अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी आप फ्रूटी ले लीजिए जो कि उसकी स्किन उतरती जाती है, लूज़ भी हो जाती है। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट जब मैंने इसे यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे अच्छा लगा बिकॉज हीट नहीं आपको ज़्यादा लग रही है, ईजिली आपके हेयर रिमूव हो रहे हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड प्राइस भी एक्चुअली रीजनेबल है, 600 में आपको वैक्स मशीन मिल रही है, उसके बाद वैक्स मिल रही है, उसके बाद स्ट्रिप्स मिल रही है। हाँ, तो मुझे कुछ स्ट्रिप्स मिली थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये कुछ स्ट्रिप्स थे जो मुझे मिली है इसके साथ। तो ये था जो मुझे प्रोडक्ट मिला है। अभी मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, कितना ईजी है इसे यूज़ करना। सबसे पहले क्या करती हूँ मैं इसे यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है, आपने लगाया अच्छे से इसे इंसर्ट करना है। इस तरह से ब्लू लाइट आपको दिख रही है ऑन है। अब इसे थोड़ी देर आप रख देंगे, रख आपको इसे तब तक रखना है जब तक ये हीट ना हो जाए, अराउंड 10 मिनट्स। हार्डली में 10 या 15 मिनट्स रखते हो, तो आप भी 10-15 मिनट्स इसे आराम से रखिए। उसके बाद आप इसका ये निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही रहे हैं कैसे यूज़ करेंगे और कितनी देर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा इसे लगाए बिना। आप लगा के भी कर सकते हो बट मैं प्रेफर करती हूँ कि सेफ रहेंगे अगर निकाल के आप यूज़ करो। तो मैं अभी से यहाँ पे रख देती हूँ और 10 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स से ज़्यादा ही हो चुका है, तब हम उसे निकालेंगे। और मैंने क्या किया है ताकि ईजी रहे और आपको भी आराम से पता चले, मैंने नीचे एक टाल ले लिया है, आप देख पा रहे होंगे नीचे इस तरह से टाल रख लिया ताकि मेरी ड्रेस पे कहीं ना लगे। और ऊपर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो गई, इसे टेस्ट करने के लिए मैंने ग्रोथ की थी ताकि पता चले। और हेयर्स भी आपको दिख रहे होंगे बहुत मोटे हेयर्स हैं, तो ट्राई करते हैं। मैंने इसे नीचे से निकाला और इसे ओपन किया, जस्ट ओपन करना है आपको और इस तरह से लेके। एक्चुअली ये बिल्कुल गर्म नहीं लग रही, ट्रस्ट मी बहुत इजी है लगाना, आप देख रहे हैं कितना इजी है इसे। तो जस्ट आपने ये लगाया, अब हम ये करते हैं इसे लगाया। फिर से लगाते हैं और आप देख रहे हैं इजीली मेरे पैर से सब हेयर्स रिमूव हो गए हैं। देखो ये वाला एरिया कितना क्लीन लग रहा है और यहाँ अभी तक बहुत सारे हेयर्स हैं। तो फिर से मैं एक और बार आपको ट्राई करके दिखाती हूँ इसे। तो मैंने नीचे किया और ज़्यादा ही आपको गर्म भी नहीं, इजी पकड़ सकते हो, कोई चिप चिप नहीं कुछ नहीं। नहीं तो आप क्या कर रहे होते हो नाइफ से, मतलब मेरी भी हालत थी, मैं जा रही हूँ पार्लर उनसे करवा रही हूँ, कभी गर्म लग रहा है कभी ये हो रहा है। सो मैंने अगेन थोड़ा सा पोर्शन लिया,
मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे नहीं आता, उसके बावजूद मैं इतनी अच्छी तरह से कर पा रही हूँ। आप देख रहे हैं ये पोर्शन और ये कितना क्लीन लग रहा है, और जो इसके साथ वैक्स दी गई है, वैसे तो इसमें रीका वैक्स मेंशन किया हुआ था जो मैं आपको बताने वाली थी, बट मुझे ये दूसरी वैक्स दी है, बट ये भी अच्छी खासी है वैक्स, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा और मेरे सारे हेयर्स निकले हैं, सबसे अच्छी बात है इस वैक्स से। और इसे रिमूव आप ईजिली कर सकते हो वाटर से, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और लगाना पड़े, जस्ट वाटर से आपने रिमूव किया और कोई भी ऑयल आपको लगाना है वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रैशेज जलन कुछ भी। जैसे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये वैक्स मुझे तो वैक्स रोलन हीटर और ये वैक्स बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो क्योंकि परफेक्टली वर्क कर रही है एंड इस प्राइस में मुझे तो लगता है बेस्ट ही है। आप इसे यूज़ कर रहे हैं, कभी कभार यूज़ कर रहे हैं, हमेशा यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप जल्दी जा रहे हैं तो आपने फटाफट लगाया और जहाँ से भी आपको रिमूव करना है कर सकते हैं इसे, अंडर आर्म्स और वो सब। तो अब मैं अप्लाई करके देखूंगी, सबसे पहले मैंने आपको लेग का करके दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आगे की वीडियो देखने।